अमृत महोत्सव शब्द में आपने ऐतराज है तो आप उनमें वो हीरक जयंती शब्द प्रयोग कर लियो, कोई बात नहीं। राजस्थान दिवस क्यों मना हुआ पे 30 मार्च ने? उन दिन राजस्थान की स्थापना हुई। मैं इन सदन जानकारी में लावनी चाहूँ, राजस्थान की स्थापना 30 मार्च ने नहीं हुई। राजस्थान की स्थापना हुई थी वर्ष प्रतिपदा चैत्र सुदी एकम ने। वो दिन इन वास्ते तय करियो तो उन दिन चैत्र सुदी एकम थी, नवा साल रो दिन तो चौको दिन तो बढ़िया दिन तो संयोग उन दिन 30 मार्च थी। वह 30 मार्च तो अपन याद रहेगी और वर्ष प्रतिपदा भूल गया। तो मैं अर्ज करनी चाहूँ इन सब सदस्य दिन मनावो, 30 मार्च ने भले और मना लो, पर मूल तारीख तो अपनी वर्ष प्रतिपदा है, चैत्र सुदी एकम है, उन दिन का महत्व मिलना चाहिए। और मैं निवेदन करने चाहूँ आपके माध्यम अभिभाषण की शुरुआत में जो बात करी है आयुष विभाग की आयुष चिकित्सा, आज सुबह प्रश्नकाल में भी बात आई राजस्थान सरकार में सब बुरी हालत जो कोई है। रिकॉर्ड तो अनुवादक को कई चिकित्सक कठे गोने न आयुर्वेद रहा है, न होम्योपैथ रहा है, न यूनानी है, न योगा रहा है, कठे हॉस्पिटल तो एड़ा पड़िया, अपरा हॉस्पिटल एड़ा पड़िया जिन्हें ताड़ो खोलन वालों कोई नहीं है, धनी दोरी नहीं है। उन्हें चिंता सरकार ने करनी चाहिए। और इन बात रही आप तारी शाबाशी बाबाई लेनी चाहोगे तो इस हॉस्पिटल बंद पड़िया है तो मैं आपने जरूर देनी चाहूँ। इनमें आप चर्चा करी स्वास्थ्य बीमारी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना पहली बार देश की धरती माते लागू हुई तो राजस्थान में लागू हुई। बहुत शानदार योजना ही, अच्छी योजना ही, देश भर में तारीफ हुई, लाखों लोगों रो इलाज हुए उनमें। और उन आधार माते उनने मॉडल मान ने भारत सरकार भी आयुष्मान भारत योजना लागू करी। पर आयुष्मान भारत योजना पूरा देश में लागू, राजस्थान में लागू नहीं। और राजस्थान में चूंकि भामाशाह योजना लागू करे तो वसुंधरा जी का नाम हो जाए, आयुष्मान भारत योजना लागू करे तो मोदी जी का नाम हो जाए। इन वास्ते उन दो ही नाम बचवा रहे वास्ते चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एक नवी योजना लाई। उन फायदो तो अबे मिलन डुको थोड़ा बहुत, पर नुकसान उतरो भारी भी है। प्रवासी राजस्थानी जितना बारे है, जो राजस्थान रा मूल निवासी है, राजस्थान रा मतदाता है और कमाई रे वास्ते, नौकरी रे वास्ते, धंधा रे वास्ते बारे गयोड़ा है, वह जो कभी मद्रास में है, कोई बेंगलोर में है, कोई यहाँ राजस्थान की विधानसभा बोल रही हूँ, जालोर में राजस्थान की विधानसभा बोल रही हूँ मैं, नहीं जालोर में बोले जाते, आप बिराजो, आप बिराजो। अब मैं राजस्थान की भाषा बोल रही हूँ, जालोरी बोली को नहीं है, या बोलियाँ हैं, बाड़मेरी बोली अलग है, जालोरी बोली अलग है, जैसलमेरी बोली अलग है। मैं राजस्थानी की भाषा बोल रही हूँ, राजस्थानी भाषा सब भाषा और सम्मिलित, सब बोली और सम्मिलित बोल रही हूँ। तो मैं अर्ज करना चाहूँगा कि आज जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना सिर्फ राजस्थान में लागू है। जो हमारा प्रवासी भाई दिशा और में बैठा है उन्होंने इन योजना का लाभ मिल नहीं सके। और आयुष्मान भारत आप दी को नहीं तो उठे जो बेटोड़ो कोई तमिलनाडु कोई गांव में बेटोड़ो मोटी और बीमार पड़ जाए तो उन्हें इलाज नहीं मिले, कोई फायदा नहीं मिले, चिरंजीवी बीमार और उठे लाभ नहीं। और आयुष्मान भारत आप लागू नहीं करी तो आ एक भारी आप समस्या पैदा करी है राजस्थान प्रवासियों के वास्ते। इनको सुधार करना चाहिए और आयुष्मान भारत योजना ने भी पूरी तरह राजस्थान में लागू करनी चाहिए। और मैं आपने निवेदन करना चाहूँ, ऋण माफी की घनी मोटी मोटी बातें हो रही है, ऋण माफी करिए आप। 2 लाख रुपये का किसानों का बैंक का कर्जा माफ करेंगे। मैं पूछनी चाहूँ आपके माध्यम सभापति जी, राजस्थान रे एक बैंक रो नाम बता दो जिनमें किसान रो कर्जो माफ हुआ, एक बैंक रो नाम बता दो आप राजस्थान रे जिनमें किसान रो कर्जो माफ हुआ है। और राजस्थान रा एक किसान रो नाम बता दो जिन्हें 2 लाख रुपया माफ हुआ है। सिर्फ ग्राम सेवा सहकारी समिति रा पैसा आप माफ करिया है, 12,000, 15,000, 20,000, 25,000। और उनमें भी चोट गई हुई। मैं हमारा उदाहरण दूँ, ऋण माफी रे पहली मैंने KCC में मिलता 1,35,000 ऋण माफी योजना लागू हुई, मैंने तो नहीं मिलो लाभ, कोई बात नहीं। पर उनने बाद आप ऑनलाइन वापस शुरू करिए रजिस्ट्रेशन, KCC रजिस्ट्रेशन वापस शुरू करियो और उनमें ऋण सीमा तो तय करी है 1,25,000, पर पहली बार में मैंने मिलिया 25,000, दूसरी बार में 10% प्लस करने मिलिया मैंने 27,500, 28,000, तीसरी बार में 30,000, अब बार मुश्किल 30-32,000 मिलिया। आ मुसीबत आप क्यों करी काशकार वास्ते जो 1.5 लाख रुपयो है लेवारो वास्ते एलिजिबल है, एंटाइटल है, उनने माँ 25,000 30,000 शुरू कर रहा हो तो बाकी पैसों कटो लावेला फिर कटे कटे उधार लेवा जावना पड़ेगा, कोई गणो गिरवी रखना पड़ेगा। आ स्थिति आप जो पैदा करी है इन्हें वास्ते भी मैं सरकारी निंदा करनी चाहूँ और इनमें सुधार कर सरकार ने करना चाहिए। पूरी KCC में जितो मिलना चाहिए उतो मिलना चाहिए। ग्राम सेवा सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सेक्टर, मतलब गड़बड़ी और सेंटर है। एडो कॉपरेटिव कानून है राजस्थान में, सहकारी कानून इतरो लचर है कि भ्रष्टाचार करना, बेईमानी करनी, गबन करना बहुत आसान और जो कर ले तो उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल, सजा देनी बहुत मुश्किल। तो इन बारे में सदन ने विचार करना चाहिए, उन कानून में बदलाव करना चाहिए और सख्ती उन्हें लागू करना चाहिए ताकि कोई भ्रष्टाचार करवा रहा हो, गबन करवा रहा हो, हिम्मत नहीं कर सके। हमारे एक विधानसभा क्षेत्र में 5-7 एक सोसाइटियाँ जो 10-10 करोड़ 7-8 करोड़ गबन कराने बैठी है और उन्होंने काई नहीं बिगड़ रहा 4 साल में। और मैं आपने निवेदन करना चाहूँगा सदन के माध्यम हूँ। और विद्युत बिजली की बात करो कि राजस्थान विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भर है, 23,489 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा हो, आत्मनिर्भर है, सरप्लस है। तो वह बिजली गई कटे, किसानों ने क्यों नहीं मिल रही है, घरा में क्यों नहीं मिल रही है, कटौती क्यों करनी पड़ रही है, वे कारखाना बंद क्यों पड़ा है, सरकार ने जवाब देना चाहिए। तो वर्ण अभिभाषण में कटे आप जिक्र नहीं करियो, चर्चा ही नहीं करी। अब बहुत बड़ी धोखा की बात राजस्थानी जनता के साथ आप करी है। कारखाना में कोयला न को आप कने पैसा नहीं है, एडू ज्यादा शर्म की बात कहीं हो सके। हमारे काले परसों में जो बरसात हुई है, सभापति महोदय आपने माध्यम में निवेदन करना चाहिए। हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी अरंडी की फसल खराब हुई है, इन्हें पहली वो पालो पड़ गयो हो, हिमपात पे गयो, उन्होंने नुकसान हुई हो, अनार खराब होगी, रायडो खराब हो गयो, जीरो खराब हो गयो, इसबगोल खराब हो गयो। इन्हें बारे में सरकार ने तुरंत विचार करना चाहिए और उन्हें भरपाई को व्यवस्था करनी चाहिए। फसल बीमा में कवर है तो अच्छी बात है, नहीं तो सरकार कोई व्यवस्था करे। लंपी इसके अंदर मोटी मोटी बातें करिए। गो रक्षक बन रहे हो आप, गो भक्त बन रहे हो, नवा ताज़ा नंदीशाला खोलवारी घोषणा करी है, जो पहली घोषणा करी वह भी नहीं खुली और नई घोषणा तो सिर्फ घोषणा ही है, चुनावी वर्ष में घोषणा ही बनी है, कहीं आपको खुलने करने के है को नहीं। लंपी स्किन में भी जो लापरवाही राजस्थान बरती है, राजस्थान सरकार बरती है, उनमें बिल्कुल निंदा करवा लायक बात है। पूरा देश में सबू ज़्यादा गोवंश मरियो है तो राजस्थान में मरियो है और उन्हें वास्ते राजस्थान सरकार जिम्मेदार है। और लंपी स्किन की बीमारी आप तो इन्हें मुख्यमंत्री जी घोषणा करी थी, चिकित्सक नहीं है, पशुधन सहायक नहीं है तो मैं अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस में भर्ती करा ला। वह अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस भर्ती आज तक नहीं हुई, 90% पोस्टा आज भी खाली पड़ी है, हॉस्पिटल बंद पड़ा है। इन वास्ते भी मैं धन्यवाद देवारी जगह सरकारी निंदा करनी चाहूँ। और सामाजिक सुरक्षा में आप जो अभिभाषण अनुच्छेद 73, 74, 75, 76, 77, 78 मोटी मोटी घोषणाओं करी है, पेंशन ने भी जी जो है छात्रवृत्तियाँ ने सबरी बात करिए, धरातल माते पूग नहीं रही है, सिर्फ कागजा में मंजूर हो रही है, लोगों के खाता में नहीं पूग रही है। इन बारे में भी सरकार ने चिंता करनी चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना आप चर्चा करिए, अनुच्छेद 100 नंबर में प्रधानमंत्री आवास योजना में 2,80,000 आवास हमने बना के दे दिए, खुद पीठ थपथपा रहे हो आप, उनमें आप योगदान का ही है, राजस्थान सरकार उनमें 1 रुपये लागू कही तो उनमें प्रधानमंत्री और नाम लिखता ने और आपने भारत सरकार और नाम लिखता ने जोर क्यों पड़ रही है, पैसा भारत सरकार है और शाबाशी आप दे रहे हो, हमने 2,80,000 आवास बना के दे दिए, पैसा तो भारत सरकार दिया, स्कीम तो भारत सरकार बनाई, जरिया आप बनाया। पहले इंदिरा आवास योजना हती अपनी गाँव में एक साल में बन, तो आज गाँव में 100-100 मकान एक साथ बन रहा है एक साल में। तो आज जो आदर्श योजना, श्रेष्ठ योजना जो भारत सरकार दी है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दी है, उन्होंने नाम लेते ना अपने तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नरेगा की बार चर्चा करता कई सारा विधायक, नरेगा नहीं होता तो मर जाते। मैं गणित बताने चाहूँ, 125 दिन आप अलाउ करिए, 125 दिन राजस्थान में, बाकी जगह 100 दिन है, अटा 125 दिन। और एवरेज जो आ रही है कमाई 200-225 रुपया एक दिन की मजदूरी पड़े है, 12 महीनों का हिसाब लगा लो, 125 दिनों का हिसाब लगा लो, तो 12 एक महीना में 1000 रुपया 1100 रुपया नीट पाते आवे एक आदमी, एक परिवार है। एक महीना में 1000 1100 रुपया पाते आवे एक परिवार ने। आप कह रहे हो नरेगा ने जिला दिया 1000 रुपये महीना और आप दे रहा उनने, और उनमें आप शाबाशी लेनी चाहो भले ले। इंदिरा रसोई घनी तारीफा हो रही है। 8 रुपया पब्लिक कनो ले और 12 रुपया पहले देवता अब 17 रुपया कर दिया आप। 25 रुपया री थाली इज्जत के साथ, कोई भूखा नहीं सोएगा। अन्नपूर्णा योजना चलती 8 रुपया पब्लिक देवती और 32 रुपया सरकार देवती। 40 रुपये री थाली मिलती, 40 रुपये भोजन, शानदार भोजन मिलतो, भरपेट भोजन मिलतो। इनमें आप 8 रुपये में 4 रोटियां गिनती 4 रोटियां दे रहा हो, और 4 में 4 पाँच करी है और उन 5 में भी पेट नहीं भरी है तो 1 कूपन और कटाओ, और उनमें भी आप सिर्फ 25 रुपये थाली दे रहे हो। तो क्वालिटी कतरी वाला एक 40 रुपये थाली में और 25 रुपये थाली में कतरा फर्क रहे। और एक सवाल मैं और पूछनी चाहूँगा अपने माध्यमों कि अन्नपूर्णा योजना कद बंद करी और इंदिरा रसोई योजना कद चालू करी? बीच में जो 1.5-2 साल रो गैप है उनमें जो भूखा हुई गया लोग उन्होंने जवाब कौन दिला? वह सवाल मैं आपने पूछनी चाहूँ। मैं पेपर लीक की घनी चर्चा होगी, मैं ज़्यादा करने नहीं चाहूँ, पर पेपर लीक मामला में जो जादूगर कौन है? वो जो पेपर 12 काटे स्ट्रांग रूम 12 काटे वो जादूगर हाल पकड़ में नहीं आ रही है। मैं वो जादूगर ने खोज रहा हूँ और सरकार ने वो जादूगर को पकड़ने बारे लाना चाहिए। जलता जल मिशन में JJM में राजस्थान सरकार भी पैसा दे रही है, भारत सरकार भी दे रही है। भारत सरकार पैसा खूब आ रहा है, राजस्थान सरकार और भाग उनमें पूरा टाइम मात्र नहीं मिल रहा है। उन कारण मारे जाड़ो जिला में मारे विधानसभा क्षेत्र में FR प्रोजेक्ट धीमी गतियों चल रही है। ER प्रोजेक्ट में बहुत धीमी गतियों काम हो रही है। और जो FR प्रोजेक्ट में पानी आ रही है उन पानी में रास्ता में चोरी वेरी है, और चोरी में राजनीतिक शव चोरी वेरी है। चोरी करवा वालों के खिलाफ डिपार्टमेंट वाला कार्रवाई करवा जाए तो वे मारपीट करे, और मारपीट करे तो राजनेताओं को बचाव में आ रही है, FIR तक दर्ज नहीं व्यवहार दे रही है। इन बारे में मैं सदन के माध्यम से अर्ज करनी चाहूँ। सरकारी बात करता इन अनुच्छेद 177 और 180 तक आप चर्चा सड़कों की चर्चा करिए। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, पुल, ROB, MDR, ग्रामीण सड़क, ये सब पैसा भारत सरकार है। नाम लिखो कि भारत सरकार इतना पैसा दिया और मैं इतना का लिया। आप इनमें लगभग 35,000 करोड़ रुपये खर्च करवा की बात कर रहे हो। आप 35 करोड़ भी उनमें नहीं वेला, मैं दावे साथ कहूँ। और चौटोणो आवड़वाड़ माननीय विधायक बिराजिया है, वे कहता कि इन 4 साल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कितना पैसा आया, कितनी सड़क बनी? आप रो अभिभाषण कह रहे हो है, आप रो अभिभाषण कह रहे हो है। अनुच्छेद 177 और 180 में 5,821 किलोमीटर सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में राजस्थान की धरती माता बनी है इन 4 साल में। पडर बोलो भाई, गपोड़ा मत मारो। आप कह रहे हो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 1 किलोमीटर सड़क नहीं आई। 5,821 किलोमीटर आपने किताब में लिखी हुई है, मैं हमारे कानून नहीं बोल रही हूँ। अंग्रेजी स्कूल जो आप लाई है जबरदस्ती, कोई मांगी नहीं करनी, कहीं नहीं मांग के अंग्रेज क्यों स्कूल खोलो, आप जबरदस्ती हर पंचायत में खोल रहे हो। हिंदी स्कूल बंद करन खोल रहे हो, हिंदी स्कूल ना जा रहा है, हिंदी स्कूल टाबर भटक रहा कटे जावे। इंग्लिश मीडियम अध्यापक मिलिया को नहीं, और हिंदी स्कूल टाबर बाहर गया पर भटकता फिर रहा, हटी उठी स्कूल हो रही है। आप भी एक भारी मुसीबत होगी। भारत सरकार की नवी शिक्षा नीति कह रही है मातृभाषा में शिक्षा देवो। राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी है, और आप शिक्षा अंग्रेजी में देने चाहो। राजस्थानी माता वो तो ज़्यादा ठीक रही। राजभाषा एक्ट अपना बड़ियोड़ा है 1956 रो राजभाषा एक्ट, उनमें सिर्फ हिंदी एक भाषा लिखी है। उनमें संशोधन रो प्रस्ताव लावो और उन्हें पास करो, उनमें राजस्थानी रो नाम जोड़ो। एम आप माध्यम में अर्ज करनी चाहूँ। अध्यापकों का पद खूब खाली है, शिक्षक भर्ती आप कर रहा हो, कह तो रहा मैं कर रहा हूँ पर कटे जा रहा है वे शिक्षक। 81,000 के में मास्टर भर्ती कर दिया गया कटे, हमारी स्कूल तो खाली पड़ी है। 23 अध्यापक हमारे गांव में हमारे एरिया में गांव है सिराना, 23 पद 7 अध्यापक लावोड़ा, 18 पद खाली। विज्ञान रो शिक्षक नहीं, अंग्रेजी रो शिक्षक नहीं, गणित रो शिक्षक नहीं, टाबर पढ़ेला की कर वर्ण हालत में स्कूल चल रही है। और बीच में आप घोषणा करी विद्या संबल का योजना लाई, बच्चा ने किया भाई विद्यार्थी मित्र स्टाइल में आप बच्चों ने, जो बेरोजगार बच्चा बैठा है उन्होंने भर्ती करौला। लाखों की संख्या में राजस्थान में फॉर्म भरीजिया, हार्ड कॉपी जमा कराओ, फोटो कॉपियाँ कराओ में पैसा लगावेला। ई मित्र में अपलोड करवाने सॉफ्ट कॉपी वन में पैसा लगावेला। वे पैसा तो टाबरा रे खर्च हो गया, हजार हजार, 3-4 हजार रुपया एक टाबरा खर्च हो गया। और जिन दिन लास्ट डेट निकली उन दिन सरकार कह दियो ये योजना स्थगित की जाती है। तो टाबरा बर्बाद क्यों करिए, दौड़ाए क्यों, पैसा क्यों खर्च कराए उन्होंने। तो अब एक बहुत भारी आप करी है। उच्च शिक्षा के बारे में आप बात करो तो सब कॉलेज खाली पड़िया है। और कृषि महाविद्यालय जो हमारे केशवना में, जो हमारे विधानसभा क्षेत्र में खुलियो है, उनकी हालत तो आ है कि एक भी शिक्षक पढ़ाने वालों नहीं है। और न उठे लाइब्रेरी है, न उठे लेबोरेटरी है, न कृषि कार्य वास्ते जमीन है, खेत चाहिए, बेरो चाहिए, ट्यूबवेल चाहिए, पंपलेट चाहिए, कहीं नहीं है। राम भरोसे उन्हारी पढ़ाई हो रही है। तो उन बारे में भी थोड़ी चिंता करनी चाहिए। एक आप डीपीसी है, साल में दो बार डीपीसी कराला। अनुच्छेद 211 में आप घोषणा करिए, राज्यपाल महोदय आप घोषणा कराइए। आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर 31 दिसंबर ने शाम रा इंतजार करे मारे प्रमोशन लिस्ट आवेला। और हर साल आवे 31 दिसंबर और 1 जनवरी भेजा तो हड़कम मच जावे। आईपीएस और आईएएस अफसरारी पदोन्नति नियमित 31 दिसंबर ने हर साल वे, और नियम बनियोड़ो है, बिल्कुल परंपरा बनियोड़ी है। और इन परंपराओं कदे उल्लंघन नहीं वे। तो आईएएस आईपीएस का ऊपर वो आसमान उतरियोड़ा है। और एलडीसी यूडीसी का अपने कोई सौतेला बेटा है, उनारी डीपीसी टाइम में क्यों नहीं हुए। उन्होंने भी तारीख घोषित करनी चाहिए, निश्चित करनी चाहिए। और उन सालों जो करना चाहिए। खाद्य सुरक्षा योजना की बात करिए, जो करोड़पति अच्छा पैसा वाला है वह खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ान बैठा है। और जो वास्तव में गरीब है, जिन्हें वास्तव में फायदा मिलना चाहिए, वह नाम जुड़ियोड़ा नहीं है। वह नाम राजनीतिक द्वेष जोड़िया नहीं या जुड़ियोड़ा काट दिया आप लोग। और उन्हें बाद वो पोर्टल बंद कर दिया है। इन बारे में सरकार ने पासों विचार करना चाहिए। ई मित्र जो चल रहा है उनमें बहुत भारी भ्रष्टाचार है। सरकारी कानून जितो पैसों देना चाहिए उन्होंने 10-10 गुना पैसा ले रहा है। सरकारों कोई कंट्रोल नहीं, कोई दणी दौरी नहीं, कोई कहण वालों नहीं, कोई रोकण वालों नहीं। उन माते अंकुश लगावारी व्यवस्था सरकार ने करनी चाहिए। और आरजीएचएस जो है योजना आप जो नवी लागू करी है उनमें लेन बहुत समस्या आ रही है। सरकारी कर्मचारी ने भी आ रही है, पेंशनर्स ने भी आ रही है, विधायकों ने भी आ रही है। व्यवस्थित तो और उनमें ठीक नहीं चल रही है। सिस्टम ने स्मूथ चलवाने वास्ते कोई व्यवस्था सरकार ने करनी चाहिए। संविदा कर्मियों ने परमानेंट कर दिया, सरकार घोषणा कर दिया, पर वो नियम पढ़िया में संविदा कर्मी में परमानेंट करवा रहा नियम पढ़िया में सभापति महोदय वर्ण नियम में जो प्रावधान किंतु परंतु इफ बट सब लगाड़ा है। 5 सालों पहले कोई परमानेंट नहीं वाला, एक भी परमानेंट नहीं वाला। 5 सालों पहले लॉलीपॉप आज दे दियो और घोषणा आज कर दी कि हमने कर दिया। वाह भाई वाह, झूठ बोलो में मास्टरी, आपने फेंकवा में मास्टरी है। महंगाई बात बार बार उद्योग मंत्री जी बोलता महंगाई। भारत री धरती माते पूरा जितना स्टेट है, राज्य है, सबू महंगो पेट्रोल डीजल कोई बिके है तो राजस्थानी धरती में बिक्रियो है। सबू महंगी गैस बिके तो राजस्थानी धरती माते, सबू महंगी बिजली है तो राजस्थानी धरती माते। और आप महंगाई री चर्चा करो, इतनी चिंता है तो बाप घटावना चीज आपने। और इन बार जो काश्तकार ने ट्रांसफार्मर बदलवा में, बड़ियोड़ा ट्रांसफार्मर बदलवा में जो तकलीफ हुई है, पहले इतिहास में मैं 33 सालों में भी राजनीति में हूँ, इतिहास में मैं नहीं देखी। 2-2 महीना, 2.5-2.5 महीना, 72 घंटा रो कानून आदेश और 72 दिन तक ट्रांसफार्मर बदलिया को नहीं। बड़ियोड़ा ट्रांसफार्मर लेन ट्रांसफार्मर बैठा रहा और रोज एएन ऑफिसर चक्कर काटता रहा, पर सरकार काई नहीं कर सकी। इन वास्ते मैं धन्यवाद री जगह सरकारी निंदा करनी चाहूँ। और किसान सम्मान निधि के बारे में आप बात करता है, बार के सही इतने से उकाई हो गए तो इतरो तो दे रहा है, आप भी दो। आप जो ऋण माफी जो थोड़ा सा 1000 करोड़ की बात करिए, 2 लाख करोड़ रुपया तो भारत सरकार दे चुकी है। और कितना देवेला वो तो आगे टाइम आवेदन बतावे, पर वो आप उन्हें आलोचना करवा जगह स्वागत करना चाहिए। और शुभ शक्ति जड़ी योजना जो गरीबा ने फायदो देने वाली है, उनमें एक पैसो सरकार नहीं दे रही है, एक पैसो नहीं मिल रहा है। और इन बारे में भी सरकार ने विचार करना चाहिए सभापति महोदय। और कुल मिलान वो जो अभिभाषण है राज्यपाल महोदय तो पढ़ गया, जो आप लिखन दिए पढ़ लियो, पर इनमें मोटी मोटी बातें, लंबी लंबी बातें करी है, फेंकी है लंबी लंबी, वो पाची लपेटनी भी चाहिए। सिर्फ घोषणा ही नहीं रह जावे, काम भी धरातल मात्र होना चाहिए। और सरकार रो काम काज केड़ो है, उणियारो आने वाला लास्ट मिनट है, उणियारो आने वाला माननीय विधायक रो भाषण आप वापस सुन लीजो। मैंने पूरी पोल खोल दी, 4 साल में मैंने जितना काम सरकार ने बताया एक को नहीं भी हो, और जो घोषणाओं बजट में हुई है वह एक भी लागू नहीं हुई। वो आप रो विधायक कह रही है, हमारा कहवा जरूरत नहीं है। इन वास्ते आपकी पूरी पोल खुल गई है इन 4 साल में, और इन 4 साल के बाद इन 5वां साल में इन आप सरकार रो अंतिम वर्ष इनमें जो चुनाव आने वाला है, उन चुनाव में इन झूठ री पोल खुलेला।